सेम कलर। इसको जो है ना वाइब्रेट हो रही है भाईजान, ये देखें जैसे वो नहीं थी वाइब्रेशन, इसको लगी हुई है। रॉयल फैन, रॉयल एशिया भी होता है ना एक, नहीं नहीं रॉयल नॉराल का मिल जाएगा, रॉयल फैन मिलेगा। ये जी राकेट दास है जी, हवा लवान देन, सारा सिस्टम कर देन, उत्थों जनाब कचरा शचरा जड़ा चाह के सुट देन, ठीक अपनी एक जड़ी है ना निशानी वो भाई। अस्सलाम वालेकुम जी ब्रदर, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा भाईजान, आज मैं चलिया जी बिशारत, जी चकवाल विच बिशारत आना मैं, उत्थे चलिया वा, क्योंकि उत्थों लैने जी पखे, हूँ पखा किहड़ा लै सां, छत आला लै सां, स्टैंड आला लै सां, कद आला लै सां, यात आला लै सां, ये उत्थे जा हुण चैक कर दे, जिहड़ा कोई सस्ता मिले ना वो पखा इंशाल्लाह उत्थों लै सां। ते हुण इस वक्त मैं मौजूद हाँ अपनी पहाड़ी जी पटियाल वाली इस जगह पर मौजूद हाँ, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है और मौसम बड़ा ठंडा ठंडा है, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा। थला जो इलाका तप्पा उत्थे ते अग लगी है, और इत्थे आके जिहड़ा हुण मकसद है कि इत्थों मैं अपना सफ़र अगे आगाज़ करना। अगर तुसां मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया भाईजान, तुसां बहुत वड्डा जनाब जुलम कीते आ, हुण चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक कमेंट और अगे शेयर जरूर किया करो। अगर तुसां फेसबुक पेज नूं फॉलो नहीं किया उस नूं जा नाल जरूर फॉलो कर लो। तो मैं तुसां थोड़ा जिहा व्यू करवा देना, तुसीं चैक कर लो, बड़ा मज़े नाल व्यू है, ठंडा जिहा मौसम है। ये चैक करो जी, गड्डियां छड़ियां भाईजान जा रही ने, ठीक है। चेक करो जी, वो थले फटियाल है, ठीक है, अगे इलाका तप्पा सारा, कोट संभली रजगान नथोट दयाल, देखो बड़ा ही दिलचस्प जहा माहौल है, तुसी यकीन करो तुसी देख सकने हो कि बड़ा मज़े जहा माहौल बने है, ठीक है माशाल्लाह। इधर चेक कर लो तुसी जनाब, ये जी फटियाल वाली पहाड़ी है जी, इटा छपी होनी है चकवाल नाल जी मिल रही है, ये वो पहाड़ी है और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, विजिटिंग पॉइंट है जी, इतने बंदे रुक के इतने जनाब पिक्चर वगैरह सेल्फियां शेल्फियां लेने और बहुत ही जनाब इतना ठंडा ठंडक महसूस होनी है इंसान की, इतने माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा व्यू है जी सुभान अल्लाह। तो एक और मैं तुम्हें चीज़ विखादा भाई, जहरी गल जिते अस जा भी उत्थे कुछ न कुछ तो पाई जान चीज़ा असं छोड़ देना, ए थले वेख लो जनाब, जहरी गल है भाई जी, जिते बंदा बहवे पता तो लगना जी ना बे बंदे बैठे रहे, ऐ तो कुछ नहीं पता लगता डंगर बैठे जो बंदे, चलो पता तो लग गया ना, तो तसली होनी चाहिए, वाकई विजिटिंग पॉइंट है, ठीक है भाई जान एवं मैं तुम कह रहे हो, ऐसे गंद देख सकते हो कि जिते गंद पे उसे समझो विजिटिंग पॉइंट है, बंदे छंदे इतने बह के जनाब वो हवा लवाते सारा सिस्टम कर देन, उत्थों जनाब कचरा शचरा जरा चाह कि सुट देन, ठीक अपनी एक जी है ना निशानी वो भाई साहब इतने छोड़ देन। हो सकना है ना बिशारत वाले पासों आने कोई खाण पीने चीज़ आँदी, अगर ये भी इतने बहन बहने सार जनाब इतने कचरा सट्टन, ठीक है पता तो लगना चाहिए भाई यार इतने बंदे बहने रहन, जो डंगर तो नहीं बैठे ये ना, ठीक है ये बंदे की निशानी है भाई, तुम यकीन ना कर देना, इस वजह मैं तुम्हें कचरा शचरा विखाया कि तुम मान लैसो कि वाकई जनाब एक खूबसूरत जहा विजिटिंग पॉइंट है, अज नहीं कल नहीं साल बाद इतने बंदा बहना पसंद नहीं करना, इतने स्मैल आई हर चीज़ सिस्टम जरा ना गड़, उस तो थले जो रुड़ के भी जाना रहा थला, ठीक है पानी शानी पैंदा ना थला, ये सड़ते छत्ते जरा ना काफ़ी सारा कचरा फसे आ, ठीक है इधर ही वेख लो ये ढेरी लगे पापड़ा का पता नहीं की पे आ। तो हूँ भाई जान इंशाल्लाह जनाब अगे जा सा बिशारत, जान तुम किसों से हो? पदरी दे हो, ऐसे बह के भाई जान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा ने, अच्छा जी तो हूँ वेखो यार बनया तो गंद बढ़ाया कि अच्छी गल है जी, नहीं गलत गल है ना, तो भाई जान ये मेहरबानी किया करो, ये जी अपनी खानदानी निशानी है ना कचरा सटना, इस नाल ही लै गया करो, ठीक है किसी होर जगह पर जाके जनाब सट छुड़ा करो, इतने क्यों गंद कर दे हो, ठीक है हमें जनाब चलते हैं बिशारत, इतना कुछ बहु है तो फिर बिशारत जाके गप शप लाने। अच्छा जी भाई जान अभी बिशारत की तरफ जो है ना सफ़र जारी है, और ये बकरियां जो है बीतल टाइप सी है ना, कोई पाली नस्ल की बकरियां भी हैं साथ में,
वो यहाँ पर नज़र आई हैं। और सामने जो है इस साइड आप देख सकते हैं ये अम्ब्रेला अभी स्टार्ट हो गया है। ये देखें भाईजान, ये गायें जो हैं यहाँ पर रोड के ऊपर ये ट्रैक्टर के पास खड़ी हैं। ये अम्ब्रेला चौक कोल जनाब लोकियन, ये आगे आप सामने देख सकते हैं ये है जी अम्ब्रेला जो के चकवाल में आता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है जी माशाल्लाह। ये इस साइड पे जो है ना आड़ा है लेफ्ट साइड पे। ये देखिए जी ट्रक जा रहे हैं, इनमें कोयला लोड है और काफ़ी जो है माशाल्लाह खूबसूरत भी है। ये वाला भी उसके ऊपर भी है कोयला लगा हुआ है। ये जी राकेट बस है जी, वो पीछे राकेट ट्रक था और राकेट ही इनको कहते हैं मुझे तो यही लग रहा है। और ये राकेट बस थी जी, काफ़ी पावरफुल ये गाड़ियां थी अपने दौर में। अभी तो जदीद किस्म की गाड़ियां आ गई हैं लेकिन पहाड़ी एरिया में यही चल रही हैं जी, ठीक है। अभी तो जापानी टाइप की गाड़ियां आ गई हैं बहुत ज़्यादा ना, लेकिन अभी भी यही चल रही हैं इधर पहाड़ी एरिया में ज़्यादा कोयला वगैरह और सवारियाँ वगैरह जो है ना लेने जाने के लिए भी यही गाड़ियाँ चलती हैं जी। तो भाई अभी बशारत के जो है ना बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ और देखते हैं अभी क्या बनता है जी। यहाँ पर अभी एक है शॉप, इनसे पूछते हैं पक्का किस तरह देंगे। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? पंखा कहना पंखा, ये जो खड़ा नहीं होता है स्टैंड वाला, वो वाला काले वाला चाहिए ना? कितने है? चेक तो कराने यार, को रेट शेट दसें।
अच्छा जी, अभी ये शॉप में जो दाखिल हो गए हैं पखा चेक करने के लिए, तो कौन सा भी बताओगे, कौन सा वाला पखा जो है ब्लैक वाला जो है उसकी क्या उसकी क्वालिटी वाली स्टार्टिंग क्या प्राइस है और एंड क्या प्राइस है जी? तो भाई ये पहली जो है शॉप थी ये इधर बशारत में, इनसे पूछा, और ये लास्ट 14,000-14,500 का है कॉपर वाला, जिसमें मोटर जो कॉपर की शेख कौन सा है, वो काला वाला है? अच्छा दूसरे वाला, ये आपकी शॉप है? अच्छा आप इस शॉप के ओनर हो, मालिक हो? अबू है आपकी हुई ना फिर? अच्छा चलो ठीक है भाई, सही है। इससे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कम पैसे नहीं मिलेंगे इससे? कम पैसे नहीं करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं 14,000-14,500 से जो है कम पैसे नहीं करेंगे, तो अभी जो आगे विज़िट करते हैं देखते हैं आगे क्या हिसाब है। तो भाई अभी आगे जाकर देखते हैं कि कोई शॉप वगैरह जो है ना नज़र आ जाए। जी आगे एक शॉप है, उनसे पूछते हैं क्या जो है रेट देंगे। पूछते हैं ऐसे कि क्या वो रेट वगैरह लगाता है। जी तो भाई अभी एक और शॉप है उस पर अभी मैं आया हूँ, और इन भाई साहब से जो है ना रेट वगैरह पूछते हैं कि क्या बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी भाई जान, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा जी, इन भाई साहब से भी जो है ना रेट वगैरह पूछेंगे, इनके जो है ना ब्लैक वाले लेना है भाई, ठीक, और चीज़ अच्छी देनी है, एक नंबर देनी है, और वारंटी गारंटी जो भी होती है वो भी साथ में जो है ना स्टार्टिंग जो है ना बताएं। ये पाक फैन का है भाई जान। अच्छा पाक फैन का, जी जी, ये 13,000 का मिलेगा। ये 13,000 का मिलेगा, जी जी, ठीक हो गया। और गोल्डन स्टार कंपनी है, गोल्डन स्टार रजिस्टर्ड कंपनी है ये भी, इसका जो है ना इसकी भी वारंटी जो है मोटर की 5 साल की है, मोटर की 5 साल की गारंटी है। अच्छा ये मिलेगा आपको 9,000 का। अच्छा ये डीजल कंपनी का है, ये मिलेगा आपको 10,000 का। 10,000 का, जी जी। आपने ब्लैक में लेना है तो रॉयल फैन वाला नहीं है? रॉयल फैन वाला मिल जाएगा, रॉयल फैन, रॉयल एशिया भी होता है ना एक? नहीं नहीं, ओरिजिनल रॉयल का मिल जाएगा। रॉयल फैन मिलेगा, मिलेगा। उसका क्या साइज वगैरह, उसका क्या सिस्टम? सेम होते हैं, 24 इंच के होते हैं ये। 24 इंच के? अच्छा तो वो दिखा सकते हैं आप? वो अभी ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, बस खुला हुआ। अच्छा खुला हुआ पड़ा है, पैक है अभी। उसका क्या रेट है फैनल? उसका रेट 12,000। 12,000? अच्छा उसका सेम कलर, इसको जो है ना वाइब्रेट हो रही है भाई जान, ये देखें जैसे वो नहीं थी वाइब्रेशन, इसको लगी हुई है। वाइब्रेशन है सर, वो कंपनी से जरा लगी है ना। अच्छा अच्छा वो भाई जान पहले इसके साउंड कर रहा था ना, वो कह रहे थे UPS, अभी उन्होंने UPS बंद किया, वो साउंड तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो है ना इसका वो ये वाइब्रेशन जो है ना वो उसी तरह है। अच्छा ये कौन सी कंपनी भाई जान? पाक फैन। अभी जी पाक फैन है जी, स्टिकर विकर तो सब कुछ पाक फैन के लगे हुए हैं, तो अभी देखते हैं ये क्या करता है, ये डांस ही ना करना शुरू कर दे। थोड़ी बहुत है इसमें वाइब्रेशन जो है ना, है ना? कितना भाई जान थोड़ी बहुत ही है, नहीं है किड़ी वाइब्रेशन है, कितना सब नजर आ रही है थोड़ी बहुत ही है, नहीं वाइब्रेशन है। तेज करो बता रहा हूँ, फुल सी स्पीड दे, कम। अच्छा जी जी तो भाई जान अभी जो है ना ये
पक्का स्टैंड वाला, आपको बोला था हाथ वाला, दीवार वाला, छत वाला, स्टैंड वाला, ये फैनल जो है स्टैंड वाला हुआ है, ये भाई साहब से लिया है और अभी जो है ना इसको उसके ऊपर बांधेंगे और फिर जो है अपने और आपको रास्ते में जो है वो खूबसूरत खूबसूरत मनाजर वो भी दिखाए जाएंगे। वो हमारे इलाके के हैं जो खूबसूरत मनाजर हैं, इनके नहीं। आपके हैं वो डक्की जो है? जो हमारे ही है ना वो तो। अच्छा अच्छा, वो पहाड़ी इलाका जो है वो हमारा है, वो खूबसूरत है। चले भाई जान आप ही रख लें जी, ठीक है, मुबारक हो आपको।